हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसेप्शंस की समरी को, जिसे लिखा था फिलिप लार्किन ने। सो लेट्स स्टार्ट। फिलिप लार्किन का जन्म 1922 में हुआ था और इनकी डेथ 1985 में हुई थी इंग्लैंड में। और ये एक इंग्लिश पोएट थे, नॉवलिस्ट, लाइब्रेरियन और जैज क्रिटिक थे। फिलिप लार्किन ने अपनी पोयम डिसेप्शंस को तब लिखा जब उन्होंने उस गर्ल के रेप इंसिडेंट के बारे में पढ़ा। इन्होंने हेनरी मैहियू की मैगजीन लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर से उस रेप विक्टिम के स्टेटमेंट को एज अ एपिग्राफ अपनी पोयम में यूज किया है। फिलिप लार्किन की डिसेप्शन ये एक डार्क पोयम है जो कि एक चिलिंग टेल मतलब डरावनी स्टोरी को बताती है। ये फोकस करती है उस यंग वूमन के रेप इंसिडेंट के बारे में और कि उस इंसिडेंट के बाद उस गर्ल की लाइफ कैसे पूरी बदल गई। नरेटर रेप विक्टिम को सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके दुख और पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जिससे कि वो गुजर रही है। इस पोयम को टू स्टैंजा में लिखा गया है। इसके फर्स्ट स्टैंजा को 9 लाइंस में लिखा गया है, जबकि सेकंड स्टैंजा को 8 लाइंस में। इसके फर्स्ट स्टैंजा में ए बी ए सी डी सी ई डी ई राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, जबकि सेकंड स्टैंजा में ए बी ए सी राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। अब सबसे पहले इसके एपिग्राफ को डिस्कस करते हैं। एपिग्राफ किसी भी पोयम या स्टोरी का वो पार्ट होता है जिसे स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन यूज किया जाता है। इस एपिग्राफ को फिलिप लार्किन ने हेनरी मैहियू, जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, उनकी मैगजीन लंदन लेबर एंड लंदन पुअर से लिया है। ये स्टेटमेंट उस रेप विक्टिम का है और वो जिसमें वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स आई वाज स्ट्रक एंड सो हेवीली आई डिड नॉट रिगेन कॉन्शियसनेस अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि बेशक ही उन्हें बहुत भारी मात्रा में नशा कराया गया था जिसके बाद वो अगली सुबह तक भी अपनी कॉन्शियसनेस मतलब चेतना में वापस नहीं आ पाई थी। आई वाज हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट आई हैड बीन रूइंड एंड फॉर सम डेज आई वाज इनकॉन्सोलेबल, और वो ये जानकर तब बहुत घबरा गई कि उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और जिसके बाद वो कई दिनों तक एक इनकॉन्सोलेबल यानी गमगीन अवस्था में रही। एंड क्राइड लाइक अ चाइल्ड टू बी किल्ड और सेंट बैक टू माई आंट, और वो एक बच्चे की तरह रो रही थी कि या तो उन्हें मार दिया जाए या फिर उनकी आंट के पास भेज दिया जाए। तो आइए अब इस पोयम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैंजा वन को। इस पोयम में नरेटर उस रेप विक्टिम के साथ हुए इतने बुरे इंसिडेंट में उसके साथ खड़े हैं और उसे सांत्वना दे रहे हैं। इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ बिटर एंड शार्प विद स्टॉक्स ही मेड यू गल्प। इस लाइन में नरेटर कहते हैं कि वो उस गर्ल से इतनी दूर है पर फिर भी उसकी पीड़ा को और उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं और वो उस अग्नि परीक्षा को भी इमेजिन कर सकते हैं जो उस रेपिस्ट ने उसे दी। द सन्स ओकेजनल प्रिंट द ब्रिस्क ब्रीफ वरी ऑफ व्हील्स अलोंग द स्ट्रीट आउटसाइड वेयर ब्राइडल लंदन गोज द अदर वे। इस लाइन में नरेटर कहते हैं कि उस गर्ल के साथ जब ये घटना घटी तब वो बहुत ही सनी डे था और जिस रोड पर ये इंसिडेंट घटा वो रोड बहुत ही बिजी रोड थी जहां पर व्हीकल्स का आना जाना लगातार बना हुआ था। और नरेटर इस फैक्ट को भी हाईलाइट करते हैं कि उस गर्ल की चेस्टिटी को उस वक्त डिस्ट्रॉय किया गया जब सूरज अपने पूरे प्रकाश में था और उसे कोई भी रेस्क्यू करने या बचाने नहीं आया। एंड लाइट unanswerable and tall and wide forbids the scar to heal and drives shame out of hiding. Next line में narrator कहते हैं कि उस girl के लिए possible नहीं है कि वो इस incident को भूल जाए।
और वो अपने यादों में से भी इस इंसिडेंट को नहीं निकाल पा रही है। और दिन के उजाले में जब उस गर्ल के साथ ये घटना घटी तो उसके घावों को भी भरने से रोक दिया गया। ऑल द अनहरीड डे योर माइंड ले ओपन लाइक अ ड्रॉअर ऑफ नाइव्स। नेक्स्ट लाइन में नरेटर कहते हैं कि उस गर्ल को लोगों ने इतने जख्म दिए कि उसके माइंड को एक ड्रॉअर ऑफ नाइफ से कंपेयर किया गया है। नरेटर कहते हैं कि उस गर्ल का जो माइंड है वो अब ऐसे ड्रॉअर की तरह खुला पड़ा है जिसमें सिर्फ खंजर ही खंजर है। तो आइए अब इस पोयम के स्टैंजा टू को डिस्कस करते हैं। स्लम्स ईयर्स हैव बरीड यू, आई वुड नॉट डेयर कंसोल यू इफ आई कुड। नरेटर इस लाइन में उस गर्ल की सोशल कंडीशन को बताते हुए कहते हैं कि वो एक गरीब लड़की है जो कि स्लम्स में रहती है। इसके बाद नरेटर कहते हैं कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो अब तक कितनी परेशानियों से गुजरी होगी, जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर वो इमेजिन कर पाते तो शायद वो उस गर्ल को कंसोल या सांत्वना नहीं दे पाते। What can be said except that suffering is exact, but where desire takes charge, readings will grow erratic. इस लाइन में नरेटर कहते हैं कि वो ये जानते हैं कि वो गर्ल बहुत सारे पेन और तकलीफों से होकर गुजरी है, जिसके बाद नरेटर एक यूनिवर्सल नोशन यानी एक सार्वभौमिक धारणा बनाते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन की इच्छाएं यानी डिजायर उस पे हावी हो जाते हैं तो उसका जो तर्क है वो धुंधला हो जाता है। फॉर यू वुड हार्डली केयर दैट यू वर लेस डिसीव्ड आउट ऑन दैट बेड। नरेटर अब इस लाइन में उस रेपिस्ट को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि माना कि उस गर्ल विक्टिम को नशा कराया गया था पर उस रेपिस्ट के साथ ज्यादा धोखा हुआ। Then he was stumbling up the breathless stair to burst into fulfillment's desolate attic. नरेटर इस लाइन में कहते हैं कि उस रेपिस्ट को इस ब्रूटल एक्ट के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि अब वो जेल में सड़ेगा और लोगों की नफरत को कमाएगा और उस रेपिस्ट को उसकी इस कार्नाल डिजायर के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।